कोमल नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। कोमल की माँ दूसरों के घरों में काम करके अपने घर की जरूरतें पूरी करती थी। वक्त गुजरता गया और कोमल शादी के लायक हो गई थी। उसकी माँ इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी कि वो कोमल की शादी किसी अच्छे घर में कैसे करे। लेकिन उनके पास कोमल की शादी करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फिर वो अपनी बेटी से कहती हैं, रानी बेटा, मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब मुझे कुछ और काम करना होगा ताकि तुम्हारी शादी के लिए मैं पैसे जमा कर सकूँ। ये सुनकर कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें और मेहनत करने की अब कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी माँ, और तुम्हारी देखभाल करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दुनिया की सारी खुशियाँ दूँ। बस अब आपको और काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप घर पर आराम करो, क्योंकि माँ मुझे जॉब मिल गई है। आपको पता है ना, मेरी एक सहेली है जिसका नाम कैटरीना है। मुझे उसकी दुकान में जॉब मिली है। आज से मैं वहाँ पर काम करूँगी। माँ, उसकी कॉस्मेटिक की दुकान है, वो मुझे महीने के पूरे 20,000 रुपए देगी। ये सुनकर कोमल की माँ बहुत खुश होती है और वो कोमल को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। कोमल बेटा, ऊपर वाला तुझे बहुत तरक्की दे, खुश रहो और खूब तरक्की करो। अगले दिन कोमल अपनी सहेली की दुकान पर जाती है। फिर कोमल दिल लगाकर वहाँ पर काम करती है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमर से पेश आती है और सबका खूब ख्याल रखती है। कोमल के आने से पहले कैटरीना की दुकान की सेल बाकी दुकानों से बहुत कम थी, लेकिन कोमल की मेहनत की वजह से उसकी सेल सबसे ज्यादा हो जाती है, जिससे कोमल बहुत खुश थी। लेकिन अचानक कोमल की खुशियों को किसी की नजर लग गई, और अगली सुबह कोमल जब दुकान पर आती है तो वो देखती है कि दुकान पर आग लग चुकी है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका था और कोमल की दोस्त कैटरीना भी वहाँ पर आ चुकी थी। फिर वो कोमल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। क्यों रे कोमल की बच्ची, मैंने अपनी दुकान तेरे हवाले की थी ना, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमसे एक दुकान नहीं संभाली गई, तेरे ऊपर तरस खाकर मैंने तुझे अपनी दुकान पर काम पर रखा और तूने मुझे ही बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं लुट गई हूँ। कैटरीना, तुम मुझे बुरा भला क्यों कह रही हो? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ। चुप कर जा, तुम जैसे गरीब लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि रात के वक्त तुमने सारे कॉस्मेटिक से सामान चुरा कर दुकान में आग लगा दी। अब दफा हो जाओ, तुम्हें यहाँ से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कोमल रोते रोते घर वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी माँ उससे पूछती है, अरे कोमल बेटा, आज तो तुम घर जल्दी आ गई। और हाँ, आज तो तुम्हारी सैलरी मिलने वाली थी ना, बोलो सैलरी मिली क्या? इतना सुनते ही कोमल जोर जोर से रोने लगती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत मायूस हो जाती है और उससे कहती है, कोमल बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फिकर मत करो, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। फिर कोमल रोते रोते सो जाती है कि अब वो क्या करेगी। सोते हुए उसके सपने में एक परी आती है और वो परी कोमल से पूछती है, अरे कोमल, तुम क्यों उदास हो? परी जी, मेरी जॉब चली गई और मुझे निकालते वक्त तनख्वाह भी नहीं दी गई। मैं जिस दुकान में काम करती थी उस दुकान में आग लग गई, उसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाला गया। अब परी जी, आप ही मुझे बताओ, इसमें भला मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं कोमल, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ देती हूँ, जिससे तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश तोड़ कर बाजार में बेच सकती हो। ये नेल पॉलिश का पेड़ मैं तुम्हारे आंगन में लगाकर जा रही हूँ। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर जब कोमल सुबह में उठती है तो वो अपने आंगन में जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर जादुई नेल पॉलिश का पेड़ होता है। कोमल नेल पॉलिश का पेड़ देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा सपना तो सच हो गया। और फिर कोमल सुंदर सुंदर जादुई नेल पॉलिश तोड़कर
बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। उसकी नेल पॉलिश इतनी खूबसूरत होती है कि देखते ही देखते सारी नेल पॉलिश बिक जाती है। फिर कुछ दिनों बाद कोमल अपने लिए एक नेल पॉलिश की छोटी सी दुकान खोलती है और इस तरह कोमल की सारी नेल पॉलिश हर दिन बिक जाया करती थी। कोमल बहुत खुश थी क्योंकि कोमल के पास अब बहुत सारे पैसे आ गए थे। उन पैसों से कोमल ने एक शानदार नेल पॉलिश की दुकान खोल ली जो पूरे शहर की सबसे बड़ी और मशहूर दुकान बन जाती है। एक दिन कैटरीना कोमल की दुकान में आती है और वो कोमल से माफ़ी मांगने लगती है। कोमल मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहिए था। तुम्हें निकालने के बाद मेरी दूसरी दुकान भी बंद हो गई। लोन के चक्कर में मैं किस्त ना भर सकी क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कोमल क्या तुम मुझे अपनी दुकान में जॉब दे सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मैं कभी भी अपने दोस्तों का हाथ नहीं छोड़ती। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरे यहाँ नौकरी कर सकती हो। ये सब सुनकर कैटरीना की आंखों में आंसू आ जाती हैं और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। फिर उस दिन के बाद से कोमल अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक बार की बात है, ईशा अपने माता पिता के साथ रहती थी। ईशा जब 7 साल की थी तब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ईशा के पिता ने बहुत से डॉक्टर बदले लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं हुआ। ईशा की माँ को अब ये एहसास हो गया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी। उसे बस अपनी बेटी ईशा की फिक्र थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है। आप ईशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। और फिर एक दिन अचानक ईशा की माँ का देहांत हो जाता है। माँ के मरने के बाद ईशा बहुत ही अकेली हो जाती है और वो हमेशा रोती ही रहती है। पापा, माँ कहाँ चली गई? मुझे मेरी माँ ला दो, मुझे मेरी माँ के हाथों से ही खाना खाना है वरना मैं भूखी रहूँगी। बेटा, तुम्हारी माँ तो आसमान में एक तारा बन गई है। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे लिए मेरी माँ को लेकर आओ वरना मैं भी आसमान में तारा बन जाऊंगी। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए माँ ले आऊंगा, लेकिन नई माँ पहली वाली माँ से थोड़ी अलग होंगी। पंकज अपनी बेटी की जिद और रिश्तेदारों के कहने पर रंजना नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रंजना जब नई नई आती है तब तो वो ईशा को बहुत प्यार करती है, लेकिन जब उसका खुद का बेटा राजू हो जाता है तब वो ईशा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन वो पंकज के सामने तो बहुत अच्छी बनकर रहती है। फिर उसके जाते ही वो ईशा से घर का सारा काम कराती है और जरा सी गलती होने पर उसे बहुत डांटती और मारती भी है। इस तरह ईशा फिर से उदास रहने लगी। फिर एक दिन, ईशा बैठे बैठे रोटियां तोड़ने से काम नहीं चलेगा, अब से तुम्हें ही घर का सारा काम करना है और तुम्हें ही खाना भी बनाना है। पर माँ, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। खाना बनाना नहीं आता है और मुझ की रोटियाँ तोड़ तोड़ कर ठूसना अच्छे से आता है। अब से तू ही घर का सारा खाना बनाएगी, समझी? ईशा रोते रोते किचन में जाती है। उसे तो कुछ भी बनाना आता ही नहीं था, फिर भी वो कोशिश करती है लेकिन उससे सारा खाना जल जाता है। फिर रंजना जब किचन में आती है तो वो बोलती है, हे भगवान, सत्यानाश हो इस लड़की का, सारा खाना जलाकर राख कर दिया। सच सच बता, तूने जानबूझकर ये खाना जलाया है ना? नहीं माँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी पर क्या? तूने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुझे मैं दोबारा खाना बनाने को नहीं बोलूं। लेकिन मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। और फिर रंजना गरम चिमटे से ईशा का हाथ जला देती है। अब आज से तुझसे खाना कभी भी नहीं चलेगा, और जला तो तू अपने इस जले हुए हाथ को याद कर लेना। ईशा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है लेकिन उसके हाथों में बहुत तेज जलन हो रही होती है और वो रोए जा रही थी। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तुम वापस आ
आ जाओ ना माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। माँ देखो ना, मेरे हाथों में भी बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। माँ आ जाओ मेरे पास ना माँ, वरना मुझे भी अपने पास बुला लो। रोते रोते ईशा सो जाती है और फिर उसके सपने में उसकी माँ आती है और कहती है, ईशा बेटा, मेरी प्यारी बेटी। माँ आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं अब आपके पास ही रहूँगी, अब कहीं नहीं जाना आप मुझे छोड़कर। माँ ईशा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे सिंगारदान से एक नेल पॉलिश निकाल कर अपने हाथों में लगा लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब ईशा उठती है तो वो अपनी माँ की वही नेल पॉलिश अपने हाथों में लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही ईशा का सारा दर्द गायब हो जाता है और उसका सारा काम भी तुरंत ही होने लग जाता है, जैसे उसके हाथों में कोई जादू आ गया हो। सफाई के लिए ईशा जैसे ही झाड़ू उठाती है तुरंत ही पूरा घर साफ हो जाता है। ईशा जैसे ही कुछ खाना बनाने का सोचती, वो खाना खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाता, वो भी बहुत टेस्टी। आज तो तूने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। खाना खाना टंकी कर रही थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। अरे तू तो मुझसे भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपसे ही तो सीखा है माँ। एक दिन रंजना नहा रही थी तभी फिसल कर वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी कमर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसे 1 साल का बेड रेस्ट लिख दिया। उसी रात रंजना के सपने में ईशा की माँ आती है। रंजना अब तो तुम बहुत खुश हो ना, तुम आराम ही तो चाहती थी और अब तुम्हें जिंदगी भर का आराम मिल गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने ईशा पर बहुत जुल्म किया है, उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अब ईशा को कभी भी नहीं सताऊंगी, मैं उससे राजू की तरह ही प्यार करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ईशा को गले से लगा लेती है और उससे कहती है, ईशा बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। नहीं माँ, जुल्म कैसा, माँ कभी अपने बच्चों के साथ गलत करती है भला, और आज जो कुछ भी हुआ है सब तो आपकी वजह से ही है। फिर ईशा अपनी माँ रंजना के भी हाथ में जादुई नेल पॉलिश लगा देती है। नेल पॉलिश लगाते ही रंजना बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर ईशा अपनी माँ को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है। फिर सभी लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। सरोवरपुर नाम के गांव में दिव्या नाम की एक लड़की हंसी खुशी अपने माता पिता के साथ रहती थी। तभी एक दिन अचानक वहाँ पर भूकंप आ जाता है जिसमें गांव के कई लोगों की मौत हो जाती है। उन कई लोगों में दिव्या के माता पिता भी थे जिनकी भूकंप में मौत हो गई थी। दिव्या की भूकंप में मौत तो नहीं होती है लेकिन उसका एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। दिव्या के माता पिता की मौत की खबर सुनकर उसके चाचा जी वहाँ पर आते हैं और दिव्या को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। कुछ दिनों तक तो दिव्या की चाची मिताली उससे बहुत प्यार और सहानुभूति दिखाती है, धीरे धीरे वो अपनी असलियत पर आ जाती है। अब जब भी दिव्या के चाचा जी काम पर जाते थे तो पीछे से उसकी चाची मिताली उसे बहुत जली कटी बातें सुनाती थी और घर के सारे काम भी उसी से करवाती थी। दिव्या बेचारी अपने एक हाथ से ही जैसे तैसे घर का सारा काम किया करती थी। एक दिन मिताली गुस्से से दिव्या को कहती है, सुन आज मेरी सहेली संध्या मुझसे मिलने आ रही है, इसलिए जल्दी जल्दी स्वादिष्ट खाना तैयार करके रख दे। चाची जी आपको तो पता ही है कि मेरा एक ही हाथ काम करता है, इसलिए मुझे काम करने में थोड़ा वक्त लग जाता है, मैं जल्दी से स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सब मुझे नहीं पता, 2 घंटे में सारा खाना बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दूंगी। अच्छा ठीक है चाची जी, मैं 2 घंटे में ही सारा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। समझ गई है तो जल्दी से किचन में जा,
और खाना बनाना शुरू कर दे। दिव्या किचन में खाना बनाने चली जाती है। 2 घंटे बाद मिताली की सहेली संध्या घर पर आ जाती है। अरे मिताली कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता आजकल क्या चल रहा है, घर में सब ठीक है ना? इस तरह दोनों सहेलियाँ आपस में बातें करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ बैठकर खाना खाती हैं। तभी वहाँ पर दिव्या आ जाती है और मिताली से कहती है, चाची जी मैंने सारा काम खत्म कर दिया है लेकिन अब तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ? हमेशा आ जाती है अपनी मनहूस शक्ल लेकर, एक दिन अगर खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, समझ गई ना? किचन में कल रात की रोटी रखी हुई है, जाकर वही खा ले, अगर अब फिर से आई तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। दिव्या किचन में जाती है और रात की रोटी खाकर अपने कमरे में सो जाती है। थोड़ी देर बाद दिव्या उठ जाती है और फिर से शाम का खाना बनाने में लग जाती है। तभी काम करते करते दिव्या दोनों सहेलियों की बातें सुनने लगती है, जिसमें संध्या मिताली को कह रही थी, अरे मिताली एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। मेरे गांव में मॉडलिंग प्रतियोगिता हो रही है और जीतने वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे। मैं तो अपनी बेटी को प्रतियोगिता में भेजने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा विश्वास है कि तेरी बेटी ही जीत कर आएगी। हाँ मिताली, चल मॉडलिंग प्रतियोगिता में पहनने के लिए उसके लिए एक बढ़िया सा गाउन लेकर आते हैं। संध्या और मिताली की ये सारी बातें सुनकर दिव्या बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, क्या मॉडलिंग प्रतियोगिता और जीतने वाले को पूरे 5 लाख रुपए मिलेंगे? मैं भी तो इतनी सुंदर हूँ, अगर मैं मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लूँगी तो जरूर जीत सकती हूँ। मैं अभी इस बारे में चाची जी से बात करके आती हूँ। इतना सोचकर दिव्या मिताली के पास जाकर उससे कहती है, चाची जी मैं भी मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, आप मुझे भी एक गाउन दिलवा दीजिए। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मॉडलिंग प्रतियोगिता में ये खराब हाथ लेकर जाएगी, तुझे देखते ही वहाँ से भगा दिया जाएगा। अपनी खिल्ली उड़वाने के लिए वहाँ जाना चाहती है क्या? अरे मिताली मुझे तो लग रहा था कि ये बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन देख तो कितनी चंट है, यहाँ आकर तुझे ऑर्डर दे रही है कि गाउन दिलवा दो। तूने ही इसे अपना सर पर चढ़ा रखा है, तभी इतनी जुबान चलती है इसकी। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसे कुछ कहती नहीं हूँ इसलिए ये मेरे सर पर चढ़ गई है। देखो तो जरा इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गाउन मांगने की। अरे अपने हाथ तो देख, एक तो वैसे ही तेरे इस हाथ की वजह से कोई तेरे से शादी नहीं करेगा, सारी उम्र मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहेगी। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मॉडल बनने वाली। यार चल मिताली, इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दे, चल हम दोनों शॉपिंग करके आते हैं। इतना बोलकर दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। दोनों के जाने के बाद दिव्या घर के बाहर वाले पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। मम्मी पापा आप दोनों के जाने के बाद तो मैं चैन की सांस भी नहीं ले पा रही हूँ और मेरा एक हाथ खराब है, लेकिन फिर भी चाची को मेरे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आता, भला ऐसा जीवन जीने का क्या मतलब है? ये सब बोलकर दिव्या बहुत रो रही थी। तभी एक रानी परी वहाँ से गुजर रही होती है और ये सब सुनकर वो दिव्या के पास जाती है। अरे बेटी तुम रो मत, अब मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ, पृथ्वी लोक की एक डायन ने मेरे परिदेश की परियों को परेशान करके रखा था, इसलिए मैं पृथ्वी लोक उसका खात्मा करने आई थी। मैं उसका खात्मा करके अपने परिदेश लौट ही रही थी, तभी मैंने तुम्हें रोते हुए देख लिया। अच्छा लेकिन आप मेरी मदद कैसे करोगी? ये लो जादुई नेल पॉलिश, इस जादुई नेल पॉलिश को मैंने अपनी सारी शक्तियाँ मिलाकर बनाई है, जिसको लगाने के बाद तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और तुम इससे जो भी चाहो वो मांग सकती हो। ये सुनकर दिव्या बहुत खुश होती है
और रानी परी से जादुई नेल पॉलिश ले लेती है। दिव्या जादुई नेल पॉलिश लगाती है, तभी थोड़ी ही देर बाद उसका हाथ काम करने लगता है। अरे सच में मेरा ये हाथ तो हिल भी नहीं पाता था, लेकिन अब ये सही हो चुका है। मैंने कहा था ना, ये जादुई नेल पॉलिश है, आज से ये तुम्हारी हुई। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी के जाने के बाद दिव्या जादुई नेल पॉलिश को अपने कमरे में ले जाती है और उसे कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश, मुझे मॉडलिंग प्रतियोगिता के लिए एक सुंदर सा गाउन दे दो। दिव्या के इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर सा गाउन आ जाता है। अगले दिन दिव्या वो गाउन पहनकर मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है। मॉडलिंग प्रतियोगिता में सभी की नज़र दिव्या पर ही टिक जाती है और दिव्या मॉडलिंग प्रतियोगिता जीत लेती है। वहाँ संध्या भी अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। दिव्या को देखकर संध्या मिताली से कहती है, अरे मिताली, तूने तो इसे यहाँ आने से मना किया था ना, फिर ये यहाँ क्यों आई है? इसकी वजह से मेरी बेटी नहीं जीत पाई और उसका सपना टूट गया। हाँ संध्या, लेकिन तू चिंता मत कर, मॉडलिंग प्रतियोगिता खत्म होने के बाद हम इसकी अच्छे से खबर लेंगे। थोड़ी देर बाद दिव्या घर पर आ जाती है और पीछे से दोनों सहेलियां भी घर आ जाती हैं। घर पहुंचकर मिताली दिव्या से बोलती है, मनहूस, तेरा हाथ कैसे ठीक हुआ और ये इतना सुंदर गाउन तेरे पास कहाँ से आया? तूने घर से चोरी करनी शुरू कर दी है क्या? तेरी वजह से मेरी बेटी का सपना टूट गया। अभी मिताली ने तुझसे जो भी सवाल पूछा है, जल्दी से उसका जवाब दे। मुझे किसी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देना है और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। अच्छा, ये घर छोड़कर कहाँ जाएगी तू? मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, इससे आपको क्या? आपको मुझे जितनी तकलीफ देनी थी वो आप पहले ही दे चुकी हो, लेकिन अब आपके साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं करने वाली। इतना बोलकर दिव्या अपने कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से बाहर आ जाती है। दिव्या अपने साथ रानी परी की दी हुई जादुई नेल पॉलिश भी रख लेती है। उस दिन से हमेशा के लिए दिव्या अपनी चाची का घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दिव्या जादुई नेल पॉलिश से कहती है, हे जादुई नेल पॉलिश, मुझे एक घर दे दो जिसमें मैं सुकून से रह सकूं। दिव्या के इतना कहने पर जादुई नेल पॉलिश उसे एक घर दे देती है। दिव्या को मॉडलिंग प्रतियोगिता में जो भी 5 लाख रुपए मिले थे, उससे दिव्या अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलती है और मेहनत से काम करके हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। ओ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।